फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरी रसोई में। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ऑनियन लच्छा सलाद बनाने की रेसिपी, जो कि हम आजकल बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि ढाबा और रेस्टोरेंट जाना सबका बंद हो गया है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं तो मिस करती हूँ ये लच्छा सलाद, जो हमारे खाने के टेस्ट को डबल कर देता है। बिरयानी के साथ, आप इसे नान के साथ, बटर पनीर की सब्जी हो, सबका टेस्ट डबल हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिएंगे बड़े साइज के प्याज। ये मैंने प्याज ले लिए हैं, साथ ही चाहिएगा नींबू और हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम प्याज को छील लेते हैं, इसका ऊपर से और नीचे से और साइड से सारा छिलका जैसे हम निकालते हैं उसी तरह से हम इसे निकाल कर छील लेंगे। पहले तो ऊपर से बस इसी तरह से ये हमने छील लिया है और अब इसे पतले पतले हमें इसे काट लेना है। पतले पतले इस तरह से, देखिए ये हमने इस तरह से गोलाई आकार में इसे काट लेना है, ये ऐसे। तो यहां पर हमें इस तरह से गोलाई में सारे प्याजों को काट लीजिए इस तरह, और ये प्याज हम इस तरह काट लेंगे सारे। बहुत ही अच्छा लगता है ये जब हम खाने के साथ सर्व करते हैं, खाने का स्वाद डबल हो जाता है और भूख भी दुगनी हो जाती है। और साथ ही हरी मिर्च लेंगे यहां पर। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसके ये बीज जरूर निकाल दीजिएगा। यहां पर मैंने भी ये सारे बीज निकाल दिए हैं, इसे थोड़ा तीखापन कम हो जाता है। और छोटी छोटी इस तरह से बारीक काट लेते हैं हम ये हमने, और फिर नींबू काट लेते हैं यहां पर। ये नींबू से खट्टापन आ जाएगा। ये प्याज की देखिए इस तरह से इसके रिंग्स निकाल देने होंगे हमें इस तरह। ये सारे लच्छे हम निकाल कर इस तरह से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाता है ये हमारा लच्छा सलाद। आप इसे बिरयानी के साथ, कोई भी सब्जी बनाए आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। घर में चपाती या दाल चावल के साथ भी आप इसे जब सर्व करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप ढाबा में ही खाना खा रहे हैं। ये देखिए अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं, साथ ही नींबू डाल देते हैं। नींबू से चटपटा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाला ही रखूंगी। तो अब इसमें डालूंगी लाल मिर्च और नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और इसे हल्के हाथों से बस मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए हल्के हल्के हाथों से यहां पर मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए झटपट से बनकर तैयार है हमारा ढाबा स्टाइल का लच्छा सलाद। तो इसमें बिल्कुल भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और बिल्कुल ढाबा स्टाइल का मजा लीजिए अपने घर पर ही। तो अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले। और शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ ताकि उन्हें भी ऐसी मजेदार रेसिपीज बनाने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।